एक्सेलरेशन क्या होता है? एक सेकंड में वेलोसिटी में चेंज, बदलाव। एक सेकंड में जो भी वेलोसिटी में बदलाव आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक बार जरा देख लीजिए, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वेलोसिटी में जो भी चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। 4 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। इतनी वेलोसिटी का चेंज हो रहा है कितने टाइम में? तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आपको 1 सेकेंड का चेंज चाहिए, ये एक्सेलरेशन था। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में मैंने बताया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म। बेटा थोड़ा पीछे जाओ, और अरे मारना पैर में खींच के, ठीक है? नहीं, अच्छा लड़का यार वो, समझ रहे? ठीक है, अगला है भैया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंज अनइक्वल आता है, ठीक है भैया? हर सेकंड में वेलोसिटी क्या होती है? अलग अलग तरीके से बदलती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी नेगेटिव। जब वेलोसिटी में चेंज नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी क्या कर रही है? और नेगेटिव एक्सीलरेशन, जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। मैंने ग्राफ बनवाए थे, XTVT AT ग्राफ याद है? ठीक है, चलो। वीडियो सबने देख ली होगी, कुणाल तूने देखी? बक्कल तार दूंगा बेटा, ध्यान रखिए। तुम देख ली सब? किसने किसने देखी? किसी ने देखी? नहीं देखी? ये देखिए, नहीं देखिए, देखिए देखिए भाई, देखिए। जो क्लास ना ले वो पक्का देख ले वीडियो। मैं तो कह रहा हूँ जो क्लास ले वो भी देखे, क्योंकि उसका रिवीजन होगा, अच्छे से चीजें क्लियर होती जाएगी। जो क्लास भी ले रहा और जो देख भी रहा, निहायती निकम्मा नकारा, ठीक है भैया? तो समझ रहे हो सुमित? नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसा करना चाहिए वैसे, ठीक है? फिर बताया था मैंने एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बताया था बेटा? क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन? टोटल चेंज इन, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम। इसे हम क्या कहते हैं भैया? एवरेज एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एवरेज आज हम करने जा रहे हैं भैया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का लास्ट पार्ट है, और जो कि डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है भैया? तो मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कराने से पहले एक बार फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड को कर देता हूं, क्योंकि सारी चीजें एक साथ दोबारा हो जाएंगी, ठीक है? ध्यान दीजिए भैया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। आपको पता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी एक ही होती है, याद है? ठीक है, एक ही होती है ना? अब देखिए, ध्यान दीजिए भैया, ये बॉडी है इंस्टेंटेनियस स्पीड की या वेलोसिटी की बात करूं? पंचायत नहीं, पंचायत नहीं, प्लीज। टी टाइम पर एक्स पोजीशन थी, टी टाइम पर कितनी पोजीशन थी? एक्स। कुछ टाइम बीता टी प्लस डेल्टा टी, तो पोजीशन क्या होगी? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इनिशियल क्या है? एक्स 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 कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स का डिस्प्लेसमेंट। इट मे बी लार्ज, इट मे बी लार्ज फॉर, इट मे बी लार्ज और स्मॉल, इट मे बी लार्ज और स्मॉल, ये दोनों ही हो सकता है। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी, ठीक है भैया? डिपेंड करता है कि, समझिए समझ गया तो समझा, डेल्टा एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जो चीजें तेज चलती हैं उसके लिए डेल्टा एक्स क्या होगा? बड़ा होगा। जो चीजें स्लो चलती है उसके लिए डेल्टा एक्स क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है? टाइम कितना लगा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल क्या है? टी प्लस, और टी इनिशियल क्या है? टी। टी से टी क्या हुआ? कैंसिल हो गया। डेल्टा टी क्या है भैया? ये रहा। अब देखिए यहां पर क्या है? ऑलवेज स्मॉल, ऑलवेज ये हमेशा छोटा रहेगा। ये इसकी दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये हमेशा क्या होगा?
इसीलिए इसको क्या कह देता हूं, कांस्टेंट। क्या कह देता हूं, कांस्टेंट। टाइम हमेशा छोटा रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट है। लेकिन जो डेल्टा एक्स है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। डेल्टा एक्स बड़ा किसके लिए होगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू बड़ी किसके लिए होगी, जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, और डेल्टा एक्स की वैल्यू छोटी किसके लिए होगी, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, ठीक चटकी। ठीक है भैया, तो भैया स्पीड क्या होता है या वेलोसिटी, आपको बताया था ना भैया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड दोनों क्या होती है, सेम होती है। क्यों बताओ, मन ये तो बताया था यार, तू तो गया बेटे, चला बता क्यों होती है सेम। दे इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, बता क्यों। बोल बे, परसों बताया था मैंने, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर क्यों होती है, बोल भाई डेढ़ा जी। देखिए भैया, इंस्टेंट मतलब बहुत छोटा टाइम, क्या होता है, बहुत छोटे टाइम में गाड़ी या बॉडी को अपनी डायरेक्शन चेंज करने का वक्त, तो पाथ कैसा रहता है, स्ट्रेट। और जब पाथ स्ट्रेट नेचर का रहेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। और जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं तो उस कंडीशन में बॉडी की स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होती है, इसीलिए किसी भी इंस्टेंट की स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, सेम रहती है। समझ गया भैया, बताया था। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमेशा छोटा रहेगा, तो इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैंने एक ही बात बोला। और मैंने बोला ये क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एक्स क्या हुआ है, और टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। आपको पता ये चीज क्या है, कॉन्स्टेंट है, हमेशा क्या होगी, छोटी, और ये क्या होगी, वेरिएबल, वेरिएबल, ये बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। ये कौन सी स्पीड की बात कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला हो गया डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या है, वेरिएबल है, और डेल्टा टी क्या है, कॉन्स्टेंट है। चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, वेरिएबल के ऊपर या कॉन्स्टेंट के ऊपर। अब वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो बदल सकता है, जिसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट के ऊपर कभी कोई भी क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वो तो चीज कॉन्स्टेंट है ना, उसकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, अगर मैं किसी चीज को बढ़ाना है घटाना है तो किसको बढ़ा घटा सकता हूँ, वेरिएबल को। तो यहाँ पर हमारी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है ना, ये ध्यान रखियो, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी हमेशा किसके डायरेक्टली होती है, डेल्टा एक्स के, किसके होती है, क्यों, क्योंकि भैया इसकी वैल्यू घट और बढ़ दोनों ही सकती है। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और लेकिन डेल्टा टी सबके लिए क्या होता है, एक जैसा होता है, छोटा, क्या होता है, छोटा। तो भैया ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेल्टा एक्स के क्या होती है, डायरेक्टली होती है। इसको आगे करते हैं इस फॉर्मूले को, तो भैया क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड स्लैश वेलोसिटी डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, बता दिया भैया ये क्या, टू स्मॉल। सो हम क्या लगाते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड स्लैश वेलोसिटी के लिए लिमिट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ये लिमिट बताती है कि अंदर यूज किया गया जो टाइम है वो क्या है भैया, बहुत छोटा है, और इसका कोई और मतलब नहीं है, ये जो टाइम है ये क्या है भैया, बहुत छोटा है। समझ गया भैया, इसका केवल यही मीनिंग है। उसके बाद इस चीज को हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन में डी टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन कराया था अगर आपको याद होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस इंस्टेंटेनियस स्पीड स्लैश वेलोसिटी, ये फॉर्मूला आ गया था। अब करते हैं भैया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्या करते हैं, क्वेश्चन भी साथ में कर देंगे अभी इसका, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता क्या है, तो एक्सेलरेशन चेंज, सॉरी वेलोसिटी चेंज फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है भैया,
जब वेलोसिटी बहुत छोटे वक्त में चेंज होती है, बहुत छोटे वक्त में जो भी वेलोसिटी चेंज होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है भैया, तो देखिए भैया मान लीजिए गाड़ी की वेलोसिटी टी टाइम पर क्या थी, वी एक्स कहां से हो जाएगी वेलोसिटी, और टी प्लस डेल्टा के टाइम पर क्या हो जाएगी, वी प्लस डेल्टा वी, मतलब चेंज बदलाव इतना आया। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया, चेंज चेंज इन वेलोसिटी कितना आया भैया, वी फाइनल माइनस वी जो कि डेल्टा वी आएगा रिजल्ट, है ना। और चेंज इन टाइम कितना आया, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल जो कि क्या है डेल्टा टी। यहां पर ये क्या है, वेरिएबल हो सकता है, ये क्या है, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डेल्टा वी क्या होता है, ज्यादा हो सकता है, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ये क्या होता है, कम होता है। अब जो चीज स्लो चलती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होगी किसी इंस्टेंट पर, थोड़ी बहुत, लेकिन जो चीज बहुत फास्ट चलती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा चेंज होती है छोटे से टाइम में। ठीक है, तो ये वेरिएबल हो सकता है, लेकिन टाइम क्या है भैया, छोटा एंड कॉन्स्टेंट, स्मॉल एंड कॉन्स्टेंट, समझिए भैया। सो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, लेकिन टाइम क्या है भैया, टेंस टू जीरो है, तो इसीलिए हम क्या लगाते हैं भैया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, इसको पुट करो तो क्या होगा, डी वी अपॉन में, याद है। और यहां पे ध्यान रखना कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेल्टा वी के ऊपर, क्यों, क्योंकि टाइम तो यहां पर क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा वी के ऊपर, बिल्कुल सेम वही लॉजिक है जो पीछे वाला है। ठीक है भैया, इसका मतलब अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अगर आप वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो वो क्या देता है हमें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है, क्या देता है, अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो क्या देता है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ एक्स इक्वल्स टू में 3t² प्लस 4t प्लस 5, एक्स दे रखा है, फाइंड वेलोसिटी कौन सी, इंस्टेंटेनियस, सेकेंड फाइंड एक्सेलरेशन कौन सा, इंस्टेंटेनियस। ठीक है भैया, एट टी इक्वल्स टू एक सेकेंड पर ऑल्सो ड्रॉ दी ग्राफ, आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है यहां पर, कौन सा, वी टी एंड ए टी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन। अब देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुणाल ध्यान दे, क्या रखा है एक्स, क्या रखा है आपको, क्या निकालनी है, क्या वेलोसिटी क्या निकालनी है, क्या किया जाए, कौन बताएगा मुझे, एक्स दे रखा है वेलोसिटी निकालनी है, क्या करूं, एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो, एक्स को डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, अगर आप पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आएगा, तो भैया हम निकाल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या होगा, डी एक्स अपॉन में डी अपॉन में डी टी, एक्स की वैल्यू क्या रखिए, क्या है 3t² प्लस 4t प्लस 5, इसको करो डिफरेंशिएट, इसको करो फिर उसके बाद इसको करो, 3 बाहर आएगा क्या होगा, t² अपॉन में 4 बाहर आएगा dt अपॉन में, और 5 का क्या होगा, याद है, तो ये हो जाएगा आपका 3 t² का क्या होगा 2t, पावर आगे एक पावर कम, अमन 4 dt अपॉन में t क्या होता है 1, तो 6t प्लस 4, ये क्या आ गया भैया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या आ गई, वेलोसिटी या स्पीड, ये आ गई आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड, समझ गया, ग्राफ अभी बाद में बना रहे हैं, ठीक है।
इंस्टेंटेनियस क्या निकालना है, एक्सीलरेशन, क्या निकालना है वो क्या होता है, क्या वेलोसिटी, किसको डिफरेंशिएट करना है आपको, ये वेलोसिटी कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। तो वो क्या रखी आपकी, तो ध्यान दीजिए, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन डी, वी की वैल्यू क्या रखी हुई है, 60 प्लस 4 अपॉन में क्या हो गया डी टी, इसका डिफरेंशिएशन इसके बाद इसका, 6 बाहर आएगा डी टी अपॉन में डी टी, 4 क्या होगा 0, तो 6 डी टी अपॉन में डी क्या होता है 1, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का क्या 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये आ गया आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड और ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब एक चीज देखिए, इन दोनों में से टाइम पे कौन डिपेंड कर रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड डिपेंड कर रही है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कौन डिपेंड कर रहा है, तो ये वेरिएबल होगा, ये क्या होगा वेरिएबल, और ये क्या है टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा कांस्टेंट होगा, क्या होगा, या इसको यूनिफॉर्म कह सकते हो, क्या कह सकते हो। अब इसका आप देखिए कब निकालना है आपको, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे निकालना, कब निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या रखी है बताओ, 6, टाइम क्या रखोगे 1 और 4, तो क्या आएगा भैया 10 मीटर पर सेकंड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू 1 सेकंड, तो हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन क्या रखा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें टाइम नहीं है, तो मतलब 1 सेकंड पर भी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, दूसरे सेकंड पर भी क्या रहेगा यही रहेगा, क्योंकि टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, जो चीज टाइम पे डिपेंड नहीं करती हमेशा क्या होगी एक जैसी रहेगी, ऑलवेज ऑलवेज सेम, हमेशा क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा। अच्छा ग्राफ बनाते हैं इसका, तो ये देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए आगे कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या रखी है या वेलोसिटी क्या रखी है 60 प्लस और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या रखा है 6 मीटर पर सेकंड इस पर। अच्छा अब देखिए एक टेबल बना लो, ये है ऊपर वेलोसिटी, नीचे का टाइम, टाइम जीरो, जीरो टाइम पर क्या वेलोसिटी रहेगी 4, टाइम जीरो रखो तो क्या आएगा 4 ही तो आएगा, 1 सेकंड बाद कितनी रहेगी 10, 2 सेकंड बाद 16, 3 सेकंड बाद 22, तो आप देख रहे हो भैया वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, 1 सेकंड टाइम में, 1 सेकंड टाइम में, 1 सेकंड, और 6 वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी क्या होगा 6 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी क्या होगा 6 मीटर पर सेकंड, तो भैया 1 सेकंड में जो भी वेलोसिटी का बदलाव होता है उसको हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन, क्या कहते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या आया 6 मीटर, वो तो हमारे पहले भी रखा है, वही रखा ना, हर इंस्टेंट पर यही एक्सेलरेशन रहेगा। ग्राफ बना लो इसका, क्या है भैया वी टी ग्राफ, स्टार्ट कहां से होगा, ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा ना, 4 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जीरो टाइम पर कितनी वेलोसिटी है 4, तो 4 फिर 8 16 फिर 24, चौबीस फिर 28, अबे क्या क्या पढ़ा पढ़ा मैंने, अलग ही चल रहा है, 8 12 फिर 12 16 फिर 20 फिर 22, ठीक है टाइम 1 2 3, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आप जीरो टाइम पर क्या वेलोसिटी थी भैया 4, यहां से स्टार्ट हो गया, 1 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी 10, 10 कहां पे होगा यहीं पे, वो 2 सेकंड बाद 16, 3 पर 22, ग्राफ कैसे क्या यहां से खींचेगा ग्राफ, यहां से मतलब जीरो टाइम पर 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी, अगर यहां से स्टार्ट होता तो जीरो टाइम पर जीरो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एटी ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, बताओ भैया, तो एक्सीलरेशन क्या है भैया हर टाइम पर 6 मीटर पर सेकंड है, तो भैया टाइम बीतता रहेगा लेकिन एक्सीलरेशन क्या रहेगा 6 मीटर, समझ गए भैया, टाइम बदलता रहेगा लेकिन एक्सीलरेशन सदैव एक जैसा रहेगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप करो फटाफट कॉपी में,
देखिए, इफ एक्स इक्वल्स टू में 2t की पावर 3 प्लस 4t² + 3, फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड स्लैश वेलोसिटी एट t = 0 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड, ड्रॉ दी ग्राफ, आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना, जल्दी करो भैया, फटाफट जल्दी से। अरे अरे भैया, रिकॉर्डिंग बताने के लिए कॉल किन्ने? कौन है? अरे वो प्रिंस। देखिए भैया, तो भैया इसको डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो ये आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये आएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कब निकालना अपने को? कहाँ आ रहा है बेटा? दो बाहर करेगा, तीन तीन आ गया, अभी पावर क्या जाएगी इसकी? तीन आ गया ना, तीन क्यों अब आया? ठीक है, देखिए एट टी इक्वल्स टू कब निकालना आपको? जीरो पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्लैश स्पीड कितनी होगी भैया? जीरो पे निकाल लेना, तो जीरो आएगा। किसका किसका ये है? एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर निकाल ले, 1 1 20, किसका किसका आ गया भैया? ये हो गया भैया आपकी इंस्टेंटेनियस। ग्राफ बनाने, टेबल बनाओ, ग्राफ बना दो। देखिए इसके लिए टेबल क्या बनेगी? वेलोसिटी टाइम, और इसके लिए एटी। जीरो जीरो पे क्या आ रही है भैया? जीरो। एक पर क्या आ रही है? दो पर बच्चों को हो गए 14 40, एक्सेलेरेशन 8 है ना, फिर एक पे क्या होगा? 20, दो पर यही है। ग्राफ बना ही लो, ग्राफ तुम बनाई लोगे? ऐसे टुच्चे से ग्राफ कर रहे इसको, ऐसे करते देखो, तरीका ऐसा होना चाहिए देखने में अच्छा लगे, साधन। हाँ, जैसे बना दिया भैया यही है। अब देखो जैसे आप करते हो ना, आपके में भाई प्लीज, दिक्कत कहाँ थी? अभी कई बच्चे ऐसे लिखते नहीं है, कोई dx/dt लिख रहा है, अब क्या है ये बताओ ना इसको, ये वेलोसिटी है। अगर आप कोई चीज डिफरेंशिएट कर रहे हो उसके बाद आपको बराबर करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए ये लिख रहा हूँ तो क्या आप, कई बच्चे ये लिख के डायरेक्ट लिखता है, ये बीच वाला मामले गायब है, ऐसे नहीं करना। एक और क्वेश्चन दू? एक और कर लिया, पागल है। कह रहा भैया देखिए, ओए भाई प्लीज, कह रहा है टी कोस अंडर रूट एक्स माइनस टी है, कह रहा वो टाइम बताइए जब आपकी वेलोसिटी क्या हो भैया? 10 मीटर पर सेकंड हो, और इसी टाइम पर आपको क्या निकालना? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जल्दी करो, क्या देखा है? टी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस टू, तो टी प्लस टू इक्वल्स टू में अंडर रूट क्या होगा? एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स इक्वल्स में होगा टी प्लस टू का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स इक्वल्स टू में टी स्क्वायर प्लस 4 + 4t, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, ये हो गया आपका एक्स आ गया। चलो निकालो बाकी, क्या है ये भैया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? 2t + 4, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या आया?
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, यह है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंट में डायरेक्ट डिफरेंशिएट बोल कर दे रहा हूं, ठीक है। अभी अपने क्या निकालना है, वो टाइम बताओ जब आपकी वेलोसिटी क्या हो 10 मीटर पर सेकेंड। तो वैन वी कॉस टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो वी की वैल्यू क्या रखी है, 2t+4 बराबर में 10, तो 2t बराबर में क्या आ गया 6, तो t बराबर में 3। 3 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या रहेगी भैया, 10 मीटर पर सेकेंड रहेगी। आपको बताना इसी टाइम पर एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इज इंडिपेंडेंट, एक्सीलरेशन इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टर्म, सो इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ये हमेशा कह रहे हैं भैया एक्सीलरेशन जो है टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट टर्म है यानी कॉन्स्टेंट टर्म है, तो हर टाइम पर क्या रहेगी इसकी वैल्यू सेम रहेगी, समझ गया भैया। तो मेरे हिसाब से आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन समझ में आ गया, ठीक है भैया। अब कल की क्लास में आपका जो होगा वो होगा भैया अलग अलग ग्राफ के स्लोप और एरिया, ठीक है भैया। वो करने के बाद आप सारे ग्राफ के क्वेश्चंस कर सकते हो, और उसके बाद लास्ट क्लास होगी आपकी परसों, जिसमें आपको करना है भैया इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है भैया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।